जो प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम अपने स्किन पे अप्लाई करने वाले हैं, क्या सही में वो सेफ है? हाय, दिस इज मोना लिसा एंड वेलकम टू माय चैनल डेसिमेंट। जब भी हम कोई चीज परचेस करते, कोई प्रोडक्ट परचेस करते, तो सबसे पहले उसका क्या चेक करते हैं? मैक्सिमम पीपल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ब्रांड के नेम चेक करते, यानी कि कंपनी के नाम। जो कंपनी ज्यादा पॉपुलर है, लोग उसको ज्यादा भरोसा करते, ज्यादा उसको सपोर्ट करते, उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा परचेस करते, भरोसा करते। क्या सच में हर पॉपुलर ब्रांड्स ट्रस्टवर्थी है? क्या वो भरोसे के लायक भी है? कभी हमने उसको क्रॉस चेक किया भी है? तो चलो आज इसी टॉपिक में बात करने वाले, साथ ही साथ एक पॉपुलर ब्रांड की बैंड बजाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इस पॉपुलर ब्रांड के बारे में, आई होप आप देख पा रहे हो। इट्स लॉरियल, मेड इन स्पेन, और इसकी पॉपुलैरिटी शायद सबको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रोडक्ट रैंडमली मेरे हाथ पे लग गई थी, और हैबिट से मजबूर होके मैंने इसका चेक कर लिया इंग्रेडिएंट लिस्ट। अभी इसमें मुझे क्या मिला उसके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ वो एक्चुअली है क्या। बेसिकली ये लॉरियल का हेयर क्ले है, जिससे हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग होल्ड देने में हेल्प करता है, और सिर्फ जेंट्स ही नहीं, काफ़ी सारे लेडीज़ भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। ये कुछ ऐसा है, इसका 50 ml का पैक है, जिसका प्राइस है 600 rupees। 50 ml प्रोडक्ट 600 rupees, मतलब बहुत ज़्यादा चीप नहीं है, काफ़ी महंगी है। तो बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है एक्वा। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं बताऊंगी, जो मेन है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वही मैं बताऊंगी, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे हैं, उसमें एक एक के लिए बात करूंगी ना तो एक घंटा लग जाए। सबसे पहले है एक्वा, जो वाटर है, सेफ है। इसके बाद है बीस वैक्स। जनरली हमारे हेयर्स को होल्ड देने में हेल्प करता है, और इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट है ना, मैक्सिमम इंग्रेडिएंट सारे के सारे टॉक्सिक है। पहले है इसमें मिनरल ऑयल, ओके। इसके बाद है पैराबिन। आप सबको पता है कि पैराबिन हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, पर इसमें एक एक नहीं, दो दो पैराबिन्स है, इथाइल पैराबिन, ऑल्सो मिथाइल पैराबिन। इसके बाद है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट्स में से एक है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट इसको डेंजरस कहते हैं। और इसके बाद इसमें अल्कोहल तो है ही। जब मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स का यूजेस और साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे जो मिला वो है, यूजेस तो इसका एक या दो ही है, पर अगर साइड इफेक्ट में जाओगे ना यार, लिस्ट बहुत ही बड़ी है, आप यकीन नहीं मानोगे। इवन ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारे फ्यूचर में स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 600 rupees किसके लिए पे कर रहे हो? इन सब केमिकल्स के लिए पे कर रहे हो। जानते हुए भी इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स हार्मफुल है, फिर भी कॉस्मेटिक वर्ल्ड इन सब को परमिशन देते हैं कि ये सब अपने प्रोडक्ट्स में ये सब केमिकल ऐड कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बात है जैसे आप सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ तो है, पर आप इसको परचेस आराम से कर सकते हो, गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेंगे। वैसे ही कुछ ऐसा हाल है इसमें। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है दिस बियर्डो। अगेन दिस इज वेरी पॉपुलर इन इंडियन मार्केट, और इस प्रोडक्ट का प्राइस है 450 rupees। पर इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे ना, 50 rupees जैसे इंग्रेडिएंट है इसमें, जिसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है इथाइल अल्कोहल। वो भी कितने परसेंट पे? 1-2% के लिए नहीं, पूरे 95%। यार 95% इथाइल अल्कोहल कोई मजाक नहीं है। इससे अच्छा तो हम सैनिटाइजर ही लगा दें, क्यों वेस्ट करें 450 rupees सिर्फ इथाइल अल्कोहल के लिए, जब सैनिटाइजर हमें 50 rupees में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हर अल्कोहल हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, पर बात जब आती है इथाइल अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल की, एसडी अल्कोहल 40 की, तो ये सब अल्कोहल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। शायद यही रीज़न है
कि अभी काफी सारे डॉक्टर सैनिटाइजर से ज्यादा हैंड वॉश को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर में भी इथाइल अल्कोहल काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं, जिसके रेगुलर यूज से हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है। इवन इसमें ये भी लिखा है कि इसको अप्लाई करने के बाद आप फ्लेम के आसपास नहीं जा सकते। ऑब्वियसली यार, इतना ज्यादा अल्कोहल लेके अगर फ्लेम के आसपास जाओगे, पूरा का पूरा आप जल जाओगे। तो सिर्फ सोचो, आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करके दिवाली में घूमने जा रहे हो, अरे यार आपके बाल जल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इसमें है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जो अगेन मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट है, तो ये भी इसमें अवेलेबल है। इन सब प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करने से शायद आपको हार्ट अटैक नहीं होगी, किडनी फेल नहीं होगी, लंग्स भी फेल नहीं होगी, पर आपके हेयर पे हेयर फॉल, डैंड्रफ, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन जब आप स्किन पे अप्लाई करोगे तो आपके पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, एक्ने, पिंपल्स, प्रीमैच्योर एजिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। इवन काफ़ी सारे केसेस में तो स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही रीज़न है काफ़ी सारे कंपनीज अभी नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल के रूल पे अपने स्किन केयर, अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। शायद उनको भी पता है कि अभी जो बायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, अभी उसको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं ये तो नहीं कहूँगी वो बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, बट एज कम्पेयर टू दिस उसमें लेस हार्मफुल केमिकल्स है, लेस हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ओके, तो मैं सब आप लोगों को भी यही बताऊंगी, भाई ब्रांड के पीछे मत भागो, कंपनीज के पीछे मत भागो, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं सब वही चेक करो। कंपनी इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका की इंग्रेडिएंट। आप जिस प्रोडक्ट को यूज़ करो आपको पता होना चाहिए यार, आपके हेयर पे, आपके स्किन पे आप क्या अप्लाई कर रहे हो। आप कोई पॉइजन तो अपने हेयर्स पे अप्लाई नहीं करोगे ना, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हेयर स्टाइल होती रहेगी। तो मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।